मॉर्निंग। चलो चलो चलो, पदम गुली आज, पदम गुली आज। ओके बाय, पक्का पक्का, टेक स्कूटर, चलो जल्दी 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 जल्दी, भागो 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 भागो। चलो इवान आ जाओ, पैदम आ जाओ, देख के बेटे, गिर जाएगा वाने, उपाला उपाला, ये देख गिरेगा गिरेगा गिरेगा। इवान इन अंकल के पीछे जाए जा रहा है, पता नहीं बस। वेन एवर ही कम्स ही यूज टू कंप्लेन मी दैट कि मैं गिर गया। मेरा हेलमेट उतारो, शूज उतारो, सॉक्स उतारो, फिर हैंड वॉश करने जाएंगे। दावानिया शूज, ओके आई विल डू माई सेल्फ मामा। गुड रशियन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करो और चलो ऑफिस। बाय Now it's office and coffee time. तो चलो चलते हैं दिन की मजदूरी करने। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो, सत श्री अकाल, प्रीवियत टू ऑल इन रशियन। आज मैं आपको ना एक बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इंडियन मैरिजेस और आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि रशिया यूरोप की मैरिज या यूएस यूके में भी आप कह सकते हो। सबसे पहला मेन डिफरेंस बजट। हमारे इंडिया में शादी में मतलब आपको पता ही है कि हर बंदा ना अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करता है और पूरी ज़िंदगी जोड़ता है शादी में लगाने के लिए, अपने बच्चों की शादी करने के लिए या किसी के, तो भाई साहब जी पैसे लगाते हैं। वहाँ पे शादी में कोई पैसा नहीं जोड़ा जाता, कोई पैसा इतना नहीं लगाया जाता। उसका रीज़न है, हमारे यहाँ शादी में मिनिमम 200-250 बंदे होते हैं, उनके यहाँ मैक्सिमम 25 बंदे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड अगर वो शादी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 बंदे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सारे पैसे जो होते हैं शादी के लिए, वो मतलब लाइक एक तरफ से लड़की वाले जैसे पूरा का पूरा वो खर्चा करते हैं, मतलब बैंकेट बुक करना, खाना पीना और वो गिफ्ट्स वगैरह। वहाँ पे मोस्टली आदमी की तरफ से होता है, हस्बैंड की तरफ से होता है सारा खर्चा, चाहे वो 25 बंदे का हो चाहे 50 बंदे का हो, चाहे बैंक्वेट बुक होगा या मैरिज पैलेस बुक होगा या जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे। सबसे बड़ा डिफरेंस, हमारे यहाँ 250-300 बंदों से कम तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई शादी हो जाए, वहाँ पे कभी कभार 5-10 या मैक्सिमम 25। अब जैसे लाइक मैंने इंडिया में भी शादी की थी और रशिया में भी शादी की थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो रशिया में केवल और केवल मेरे सास ससुर और इसकी मतलब मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड, उसका हस्बैंड, उसका बच्चा, टोटल 4 जने और एक बच्चा बस। मेरे अलावा वहाँ पे बाकी लोग भी शादी रजिस्ट्रेशन कराने आए हुए थे, सबके साथ 5-6 या 10 लोग बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। वो लोग क्या करते हैं पैसों का, जो बेसिकली हम लोग जैसे हमारे लिए ड्रीम क्या मतलब एक तरह से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, सपना भी होता है कि भाई शादी करनी है बच्चों को, वो लोग क्या करते हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा जो करते हैं, वो सेव करते हैं, जो पैसा वो घूमने पे लगाते हैं।
वो हनीमून पे, आई मीन के शादी के बाद वो ट्रेवलिंग पे लगाते हैं। मैंने मेरे साथ भी, मतलब हमने भी बहुत इंडिया में जो शादी की थी बहुत लिमिटेड लोगों को, बहुत क्लोज लोगों को बुलाया था। सो क्योंकि मेरा था कि लाइक हम लोग कोई ग्रैंड करेंगे, शायद इन लोगों को ग्रैंड शादी पसंद हो, बट मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं हम ग्रैंड नहीं करेंगे, जो बिल्कुल क्लोज है। मैं क्लोज भी कैलकुलेट किए थे तो हमारे 200 बंदे हुए थे शादी में, फिर 200 पीपल आर वी, मतलब उसने कहा कि हम लोग क्या राजा महाराजा हैं क्या जो 200 बंदे। और मैंने गलती से उसको बता दिया कि सबके पैर छूने हैं तूने, क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल राहुल, हाउ विल टच फीट ऑफ ऑल द पीपल्स। एक्चुअली आई वाज किडिंग यू यार। और अब हम लोगों ने भी मतलब लाइक 200 बंदों के आसपास के हमारे गेस्ट थे, बट अच्छे से शादी, मतलब हमने अच्छे से हुई हमारी शादी, मतलब बिल्कुल काम पीस, अच्छे से सारी रस्में रिवाज सब हुए। और मेरी वाइफ को इंडियन मैरिजेस बहुत पसंद है, लाइक वो पूरी रात वाला सीन होता है ना जो फेरे और ऑल द थिंग, लाइक मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब मैं तो ज़्यादा अटेंड नहीं करता हूँ कभी शादी में, मैं तो जाता ही बहुत कम हूँ, बट मेरी वाइफ को वो सब चीज़ें देखना, और उसको अपनी सेरेमनी बहुत पसंद थी। इवन उसकी मम सब ने बोला, मतलब जैसे उसकी फ्रेंड भी आई हुई थी और उसकी मम्मी लाइक इट्स लाइक, और मतलब मैं वीडियो डालूंगा, मुझे एक्चुअली वो वीडियो मिल नहीं रही है क्योंकि मेरे फोटोग्राफर के पास थी वगैरह, शायद पता नहीं मिस हो गई, अगर वो वीडियो मिली तो आई विल शो यू। उसके फेस से दिख रहा है कि वो कितने खुश है, थैंक यू माता रानी। और हम लोगों ने क्या किया, शादी से बिल्कुल अगले नेक्स्ट डे हम लोग पहले माता रानी के दर्शन करने गए, वैष्णो देवी गए, उसके बाद वापस आए। नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी अंडमान की, फिर हम लोग अंडमान, मतलब हफ्ता 10 दिन शायद हम लोग वहाँ रहे, तो वो भी कम था, उसने बोला था कि नहीं हमें कम से कम 15-20 दिन। मैंने नौकरी करनी है भाई, गरीब आदमी है, पापी पेट का सवाल है, प्राइवेट जॉब है, कोई मतलब लाइक रॉयल्टी नहीं आती है। सो वहाँ के लोग बेसिकली शादी का या जो भी सेविंग होती है वो लोग ट्रैवलिंग पे करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, जैसे अगर आप गोवा वगैरह कभी जाएं या कभी किसी भी हिल स्टेशन पे जाएं, मोस्टली एक एक महीने के लिए ये फॉरनर्स आके रहते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली वो देखो, आपने शादी में मानो मैं कह रहा हूँ 20 लाख रुपए लगाए, ठीक है, फिर भी आपको ना दो, आप कह रहा हूँ 200 बंदों को भी बुलाओ ना, 200 में से 20 बंदे ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ कमी निकाल के जाएंगे। मतलब आपने तो 20 लाख रुपए स्वा कर दिए और 20 बंदे आके आपको स्वा करके चले गए, क्या फ़ायदा है। तो मेरा मानना भी तब से यही हो गया है कि केवल और केवल जो आपको समझते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उनको अपनी शादी में या मतलब किसी भी फेस्टिवल में बुलाएं, उनके साथ अच्छे से इंजॉय करें, जितना स्पेंड कर सकते हैं, चाहे टाइम हो चाहे पैसा हो, आप उन पे लगाएं या उन पे स्पेंड करें जो समझें कि हाँ वाकई में कुछ, जो बंदों ने बोलना है वो तो बोलना ही है। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहता हूँ। सो दिस इज़ द मेन बेसिक, और कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं इंडियन मैरिजेस और आउट ऑफ, पहली बात तो बजट का, दूसरा गेस्ट का, तीसरा जो उसकी सेविंग होती है वो ट्रैवलिंग में स्पेंड करते हैं, और प्लस वहाँ पे मोस्टली खर्चा लड़के वाला। अच्छा चलो चलो अंदर चलो 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 जल्दी चलो। खराश तो कहाँ जा रहा है इवन? यहाँ पे इवन बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, देखो टेनिस का ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, उधर क्रिकेट खेल रहे हैं और ये टेनिस का ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, तो भाई साहब जी यहाँ पे गाड़ी चलाने आए हैं। टुडे इज सैटरडे, तो सारे जितने भी कोर्ट हैं मोस्टली बिजी हैं। ओहो ये डॉग मीटिंग पैलेस, सो
सारे डॉग, क्रिकेट पिच भी बुक है, बच्चे खेल रहे हैं इसमें फुटबॉल क्रिकेट पिच के अंदर। और ये है हमारी सोसाइटी का शॉपिंग एरिया मार्ट, यहाँ से हम डेली यूजेस की ग्रॉसरी, सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह परचेज करते हैं।